हैं, इस पर कंट्रोल, बिना नीटिंग। आज देखिएगा, एक रंग का एक बहुत ही प्यारा और आसान सा बुनाई का डिजाइन सीखेंगे। इसको आप लेडीज कार्डिगन में, जेंट स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको ऐसे बॉर्डर भी बना सकते हैं और ये पैटर्न हमारा दोनों साइड से एक सा बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं, 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को बनाएं, 3 के मल्टीपल से फंदे डालें, 2 फंदे एक्स्ट्रा रखें, और सिर्फ 2 सिलाई का हमारा बुनाई का डिजाइन है, 2 सिलाई में कंप्लीट होगा। दोनों तरफ से एक सा बनेगा तो हमारा एक ही सिलाई का पैटर्न है वैसे तो, लेकिन 2 सिलाइयां बार बार रिपीट होंगी। और इसके लिए हमने 10 नंबर की नीडल ली है, और देखिए यहाँ पर मैंने ये स्काई ब्लू कलर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस पैटर्न को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, डिजाइन की फर्स्ट रो को ध्यान से देखिएगा। पहले हम यहाँ पर एक सिलाई बेस रो बना लेंगे, यानी कि पूरी सिलाई को हम सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। आप इस पैटर्न को चाहे तो सीधी तरफ से शुरू कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे उल्टी तरफ से शुरू कर सकते हैं, यानी कि राइट और रॉन्ग साइड से दोनों तरफ से हमारा पैटर्न एक सा बनेगा। तो आप इसको किसी भी सिलाई से इस पैटर्न को शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, अब हम आ गए हैं उल्टी सिलाई में, तो यहीं से मैं पैटर्न को स्टार्ट कर रही हूँ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक फंदा हम यहाँ पर एज स्टिच का उल्टा बनाएंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, धागा पीछे करेंगे कि फंदा देखिएगा हम यहाँ से सामने से बनाएंगे, और अभी इस फंदे को उतारेंगे नहीं, एक बार हम इधर से भी इस फंदे को बुन लेंगे। देखिएगा, यानी कि एक फंदे में से हमने यहाँ पर 2 फंदे बना लिए। अब धागा आगे लाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। तो देखिएगा, यही 3 फंदे का हमें डिजाइन रिपीट करना है। धागा पीछे करेंगे, फंदे को ऐसे सामने से बनाएंगे, और एक बार हम यहाँ पर देखिएगा बैक साइड से बनाएंगे। अब 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक कर देंगे। इसे देखिएगा, धागा पीछे करेंगे, फंदे को ऐसे सामने से बुनेंगे सीधा, और एक बार हम फंदे को इधर साइड से भी बुनेंगे, यानी कि दोनों साइड से हमें इस फंदे को बुन लेना है। धागा अपने साइड लाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदे में से यहाँ पर देखिएगा 2 फंदे बना लेंगे, 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक कर देंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से यहाँ पर एक फंदे में से 2 फंदे बनाएंगे। धागा अपने साइड लाएंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। फिर से देखिएगा, धागा पीछे करेंगे और एक फंदे में से 2 फंदे बनाएंगे। धागा अपने साइड लाते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। अब लास्ट में एक फंदा है जिस चीज का है, इसको हम उल्टा बना लेंगे। तो इस सिलाई कंप्लीट हो गई। देखिएगा, सेम पैटर्न को हम सीधी तरफ भी रिपीट करेंगे। एक फंदा हम एज स्टिच का सीधा बनाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ से फंदे को सामने से बुनेंगे एक बार, और एक बार यहाँ बैक साइड से बुनेंगे। तो इस तरह से फिर से हम एक फंदे में से 2 फंदे बनाएंगे, धागा अपने साइड लाएंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। फिर से देखिएगा, एक फंदे में से 2 फंदे बनाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। एक फंदे में से 2 फंदे बनाएंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। फिर से देखिए, एक फंदे में से 2 फंदे बनाएंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। तो हमें यही 3 फंदों का डिजाइन बार बार रिपीट करना है। ये देखिएगा, लास्ट में एक फंदा है, इसको हम सीधा बना लेंगे। तो देखिएगा, सीधी तरफ से भी हम ऐसे ही बनाएंगे, उल्टी तरफ से भी ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से हमारा पैटर्न एक सा ही बनेगा। जब यही सिलाई हम बार बार रिपीट करेंगे, यही 2 सिलाइयाँ, तो देखिए पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिएगा, ये इसका राइट साइड है,
और यहाँ से देखिएगा इसका रॉन्ग साइड है, तो दोनों तरफ से ही हमारा पैटर्न एक सा ही बनेगा। आप किधर भी साइड से इसको सीधा रख सकते हैं, देखिएगा, और बहुत ही प्यारा लगता है ये। इस तरह से बनकर आता है एक फंदा, यहाँ पर हम इसको इस तरह से एक फंदे में से दो फंदे बनाते हैं तो सीधे बनते हैं, और यहाँ पर हम दो फंदों का एक करते हैं, तो इस तरह हमारा ये पैटर्न देखिएगा बिल्कुल बॉर्डर की तरह दिखाई देता है। तो आप इसे बॉर्डर में भी बना सकते हैं और पूरे स्वेटर में भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको पसंद आता है आप इसको पैटर्न को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये बुनाई का डिजाइन? अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।